जयपुर में ही है अभी भी, हम कहीं और नहीं आए हैं आप लोगों के लिए। जयपुर के हैं, जयपुर राजस्थान के, और वहीं के रहेंगे और वहीं की चीजें आपको बताएंगे जो सबसे स्वादिष्ट है, जो सबसे खाने लायक है और टेस्ट में बहुत ही शानदार है। और प्राइसिंग की अगर बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा सस्ती प्राइस में आपको मिलने वाला है। ये गन्ने का जूस बनता कैसे है, क्यों ये वर्ल्ड फेमस क्यों है, भाई अंकल जो बना रहे हैं गन्ने का जूस वो पूरे वर्ल्ड में अलग क्यों है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और सबसे पहले आप ये देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक कितना पड़ा है इनके पास में, ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे इन अंकल की बिक्री कितनी होती होगी, क्योंकि इनकी जो मशीन है, सबसे पहले मशीन के बारे में बात करूँगा, नेचुरल मशीन है और गन्ने की ये देखो ये घिसाई होती है इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये क्यों होती है घिसाई ये पूछेंगे, गन्ने का जूस कितने रुपए का यहाँ पे मिलता है वो पूछेंगे, और क्या केमिकल फ्री गन्ने का जूस आपको यहाँ पे मिलने वाला है तो उसके बारे में डिटेलिंग से बात करेंगे। तो आप पहले देख सकते हो गन्ने अपने पास में बहुत सारे हैं, और ये छील क्यों रहे हैं ये पता लगाते हैं। तो भैया ये आप गन्ने को छील क्यों रहे हो ऐसे? गन्ने को छील रहे, इसके अंदर मलाई निकलती है। मलाई निकलती है, मतलब अच्छे से घिसने के बाद में जूस इसका प्रॉपर निकलता है ऐसा? अच्छा, तो ये आप एक दिन में कितने छील लेते होंगे? एक दिन में 5 क्विंटल छील लेते हैं। क्विंटल? हाँ। और कितने गन्ने के जूस के ग्लास बन जाते होंगे? गन्ने के एक गन्ने में 4 ग्लास। एक गन्ने के 4-5 ग्लास निकल जाते हैं, मतलब एक गन्ने में। तो आप सोच सकते हो कितना प्योर, और कहाँ से आ रहा है गन्ना कुछ पता है आपको? ये गन्ने लाते कहाँ से हो आप? नहीं, ये गन्ने का मालूम नहीं। ये मालूम नहीं है ना, ये तो ऑनर को मालूम है कि ये हरियाणा से, हरियाणा से आ रहे हैं गन्ने, और इनकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है। बाकी अभी भैया से पूछेंगे कि किस भाव अपने को जूस का ग्लास पड़ने वाला है, और ये सबसे अलग क्यों है। ये सबसे मेन बात है कि वहाँ के जो टेस्ट है वो सबसे शानदार, ऐसा क्या है यहाँ पे वर्ल्ड फेमस गन्ने वाले भैया, इनको क्यों बोला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में गन्ने के जूस की जो ये मशीन है, आपको आवाज़ बहुत आ रही होगी, तो ये इस तरह की मशीन है, पूरी वुडन की मशीन है, लकड़ी की मशीन है। आप देख सकते हो इस तरह से गन्ना डलता है, इस तरह से निकलता है। अंकल आंटी दोनों ही बिल्कुल शिद्दत से काम करते हैं इसके पीछे, और आप आगे आकर के देखोगे तो आपको मालूम चलेगा ये इस तरह से गन्ना अंदर जाएगा, और यहाँ से ये इस तरह से गन्ने का जूस निकलता है, और 2-3 छल्लियों के बाद में निकल करके ये इस तरह से सारे जितने भी क्लाइंट्स इनके हैं, जितने भी कस्टमर्स इनके हैं, इन तक गन्ना पहुँचाया जाता है। और आप देख सकते हो सारे खुशी से गन्ने का जूस। अंकल आपने जूस पिया, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। टेस्ट में कैसा है? अच्छा टेस्ट है। आप पूरे जयपुर में गन्ने का जूस पीते होंगे? पूरे जयपुर में पीता, पर इधर का जैसा टेस्ट कहीं है, कहीं नहीं मिलता है ना। अभी जस्ट आए यहाँ पे अंकल, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कितने टाइम से पी रहे हो आप अंकल के साथ? मैं हर साल हर सीजन में ये जब भी लगाते हैं यहीं लगाते हैं, 4-5 साल से। अच्छा, तब से मैं रेगुलर आता हूँ। रेगुलर आप यहीं आते हो। अंकल आपको कैसा लगा? अंकल पीने में भी कैसा लग रहा है अंकल? ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है ना। तो शुद्ध जूस है, बिल्कुल शुद्ध जूस है। शुद्ध क्यों बोल रहे हो आप? ये लकड़ का है, इसलिए लकड़ का बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है, लोहे वाले का जो है उसमें लोहे में केमिकल आ जाता है, काला काला ब्लैक ब्लैक निकलता है। हाँ, तो ये एकदम प्योर है, और ये आप देख सकते हो इस तरह से छीलने के बाद में जो जूस निकलता है वो इस तरह से भैया निकालते हैं, और पूरा प्रॉपर तरीके से इसका जूस निकलता है। और मेन बात क्या है इस गन्ने के जूस की, कि इसमें ना ये पाइनएप्पल मिलाते हैं ये लोग। ये आप देख सकते हो पाइनएप्पल इसमें मिलता है, और पाइनएप्पल मिलने के बाद में ये पाइनएप्पल और गन्ना
दोनों का बन जाता है। संतोष भाई आप कितने का गन्ने का एक एक ग्लास कितने रुपए का देते हो? 20 रुपए का एक गिलास बेचता हूँ। 20 रुपए का? हाँ। भैया के पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, कस्टमर्स यहाँ पे। तो खिरनी फाटक का जो आरओबी है रेलवे ओवर ब्रिज, वो जैसे क्रॉस करके आप वापस खिरनी फाटक की तरफ आओगे, इधर क्या बोलते हैं इसको, कांटा की तरफ आओगे, कांटा ये जो रोड है इस तरफ निकलोगे तो यहाँ पे शनि महाराज का मंदिर है, शनि मंदिर है। यहाँ पे आप आओगे तो जस्ट आपको सामने ये बुग्गी दिख जाएगी। और इनका जो टाइमिंग है कि ये कब से लेकर के कब तक खुला रहता है? अंकल आप सुबह कितने बजे खोलते हो? सुबह 9 बजे खोलता हूँ, शाम को 9 बजे बंद करता हूँ। 9 से 9, 9 बजे से लेकर के 9 बजे तक इनका टाइमिंग है। अंकल के पास में टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि इनके पास में कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है। तो क्वालिटी मैंने आपको बताई कि क्वालिटी बहुत ही शानदार है। अंकल जो यहाँ पे जूस पी रहे हैं पहले से, उनको उनसे पूछा तो उनके रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा शानदार आए। तो अब बारी है अपने खुद के जूस पीने की। मैं खुद टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जूस है कैसा। ये देखिए इस तरह से ये जूस दूसरे पतीले में डल जाएगा और बहुत ही प्योर तरीका है निकालने का। ये देखिए 20 रुपए के अंदर ये भरा हुआ ग्लास आपको मिल जाता है इस तरह से। और अगर मैं टेस्ट की, मैं थोड़ा आवाज़ बहुत ज़्यादा इस तरफ से आ रही है, ये आपके गन्ने का जूस है तो ये पी करके टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। अरे वाह यार, इसमें ना पाइनएप्पल का टेस्ट भी आ रहा है। फैंटास्टिक, मतलब एकदम शानदार ग्लास का जूस है। पाइनएप्पल का टेस्ट आ रहा है, गन्ने का टेस्ट भी आ रहा है और जो नमक इसमें डलता है उसका टेस्ट भी इसमें आ रहा है। इसीलिए इसको वर्ल्ड फेमस बोलते हैं क्योंकि टेस्ट है यार इसका, बहुत ही शानदार टेस्ट है। और 20 रुपए के अंदर आपको इतना बड़ा ग्लास मिल जाता है। आप हर जगह जाओगे तो आपका ग्लास 20 रुपए का ग्लास ही मिलेगा हर जगह पे, लेकिन वो केमिकल से मिला हुआ ग्लास होता है। बट यार एकदम प्योर लग रहा है, सच बता रहा हूँ। इतना इतना टेस्टी लग रहा है जैसे अपन वो तोड़ के नहीं खाते गन्ने को, ऐसे मुंह से छील के खाते हैं, ये वैसा फीलिंग आ रहा है इसमें, एकदम बिल्कुल प्योर वाली फीलिंग आ रही है। मैंने आपको दिखाया मशीन में से कैसे निकलता है। इनके पास में इतनी भीड़ लगी रहती है, अभी भी चालू है अंकल, 9 बजे शुरू, मतलब सुबह 9 से लेकर के रात को 9 बजे तक इनका 12 घंटे का काम है, चलता रहता है। तो मैं ये इंजॉय करता हूँ और ये ख़त्म करने के बाद आपसे मिलता हूँ। जितने भी लोग बाहर से एज ए टूरिज्म पर्पज़ से यहाँ पे आ रहे हो, और गर्मियों के लिए तो रामबाण इलाज है, मतलब गर्मियाँ आ गई है, गर्मियों से राहत मिलने वाली क्योंकि ठंडा जूस है। और बिना बर्फ़ का भी आप ले सकते हो, बर्फ़ के साथ भी आप ले सकते हो, जो वैरायटी आपको चाहिए वो आप इसमें निकाल सकते हो। तो जितने भी जयपुर राइड्स है वो प्लीज़ आकर विजिट करें, वॉक इन करें, पी करके जाएं, आपको बहुत शानदार वाला एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। टेस्ट में बेहतर है, प्राइस में बेहतर है और क्वालिटी इतनी शानदार है क्योंकि नेचुरल है। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है इस गन्ने की जूस की, आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इनक्रेडिबल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए। बाकी लव नेचर, बी एन एडवेंचर। अलविदा अमिगोस, दावते शलोम, बाय बाय।